सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल्स, दिस इज स्पाइडी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल की 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको इरेंगल मैप में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली ट्रिक हमारी यहाँ पर काम कर रही है मिलिट्री बेस पर। आपको बस सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आकर पीक प्लस स्कोप का बटन दबाकर अपने जॉयस्टिक को अंदर लेना है और आप अंदर से ही अपने अंदर बैठे एनिमी को नॉक कर पाओगे और आपका एनिमी भी ये देखकर शॉक हो जाएगा। दोस्तों इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर करना, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है ये। तो दोस्तों हमारे दूसरे नंबर पर जो ट्रिक है ये भी सेम टू सेम वैसे ही है। बस आपको करना क्या है कि मान लो आपका एनिमी अगर यहाँ पर बैठा है तो आप उसके दूसरे तरीके से भी नॉक कर पाओगे। आपको सिंपली यहाँ पर आना है और अपने पीक प्लस को का बटन दबाकर अपनी जॉयस्टिक को अंदर करना है और आपका एनिमी भी यही सब भी नॉक हो सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की ओर। तो इस ट्रिक में आप ये ट्रिक दरअसल यहाँ पर काम कर रही है कंटेनर के पास। आप यहीं पे भी पीक प्लस स्कोप का बटन दबाकर अपनी जॉयस्टिक को अंदर करके एनिमी को नॉक कर सकते हो। दोस्तों हमारी जो चौथी ट्रिक है वो ये वाले एरिया पे वर्क कर रही है। आपको सिंपली यहाँ पर चढ़ना है और आप सीधा यहाँ पर आ जाइए और इसके बाद आपको यहाँ पर जंप का बटन दबाना है और एक और बार जंप का बटन दबाना है। तो दोस्तों ये ट्रिक यहीं पर वर्क कर रही है, आपको एक अच्छा रिच मिल जाएगा एनिमी को नॉकडाउन करने के लिए। तो इस ट्रिक का भी आप इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों हमारी जो पांचवी ट्रिक है वो यह पर काम कर रही है। आपको करना क्या है, आपको इसके अंदर आना है। अंदर मैं आपको एक सीक्रेट रूम बताऊंगा। आपको इसके ये जो सामने वाला है आपको इसके ऊपर चढ़ना है। यहाँ पर चढ़ने के बाद आप अपने लेज ग्रैब फीचर का इस्तेमाल करिएगा और फीचर का इस्तेमाल करने के बाद आपको यहाँ पर एक हाइडिंग स्पॉट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर छिप के, अगर यहाँ पर लास्ट का जोन बनता है फिर तो आपका ही चिकन डिनर समझो। दोस्तों अगली ट्रिक अब यहाँ पर काम कर रही है इस वाले एरिया के पास। आप तो सभी जानते ही होंगे ये एरिया जो मिलिट्री बेस में है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हाइडिंग स्पॉट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका एनिमी वहाँ पर आ जाएगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से नॉकडाउन कर पाओगे। तो दोस्तों इस ट्रिक का ज़रूर इस्तेमाल करना। आपको सिंपली यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद साइड पर जाना है और सीधा इसके ऊपर चढ़ने की आपको ट्राई करनी है। दोस्तों जब आप इसके ऊपर चढ़ जाओगे तो आप बस धीरे धीरे आगे जाइए। अगर आप चाहो तो यहाँ से FPP स्विच करके भी आगे जा सकते हो। बहुत ही ऑसम ट्रिक है, आपको धीरे धीरे आगे जाना है। आगे जाकर अगर आप चाहो तो यहाँ पर प्रोन भी हो सकते हो, आपके एनिमी को बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगी कि यहाँ पर भी कोई हो सकता है। तो दोस्तों इस ट्रिक का ज़रूर इस्तेमाल करना, बहुत ही काम की है ये ट्रिक। दोस्तों कभी बार क्या होता है कि यार स्क्वाड हाउस के ऊपर बंदे कैंप करके बैठे होते हैं और आपको पता नहीं चलता कि उनको हम कैसे नॉकडाउन करें या कैसे फिनिश करें। तो दोस्तों ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस ट्रिक को करने के लिए आपको बस करना क्या है कि अपने टीममेट को दरवाजे के पीछे खड़ा कर देना है। दरवाजे के पीछे खड़े करने के बाद आपका टीममेट जब खड़ा होगा और आप यहाँ पर आके जंप वाला बटन दबाएंगे तो जंप वाला बटन दबाने के बाद आप सीधा इसके ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर आने के बाद आप जहाँ मर्जी से चाहे चढ़ सकते हैं और अपने एनिमी को नॉक एंड फिनिश कर सकते हैं। तो इस ट्रिक का ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब दोस्तों जो ट्रिक नंबर है 8, अब इस ट्रिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लेटे हुए अपने एनिमी पर मोली कैसे फेंक सकते हो, वो भी बिना अपना हाथ एक्सपोज किए। दोस्तों ये ट्रिक बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही यूज़फुल है ये ट्रिक। आपको करना क्या है कि अपनी जो मोली है उसको लो टॉस में फेंकनी है। लो टॉस में फेंकने के बाद आप खुद भी ये देख सकते हैं कि जब मैं लो टॉस में मोली फेंक रहा हूँ और एकदम से जैसे ही मैं मोली फेंकूँगा और हाई टॉस पर क्लिक करके मोली फेंक दूंगा तो हम आपकी जो मोली या नेड या स्मोक कुछ भी है तो वो आपका स्मोक बहुत दूर तक जाएगा और आपका जो हाथ है वो भी एक्सपोज नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत ही काम की है ये ट्रिक। दोस्तों लास्ट जोन में इस ट्रिक का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों ट्रिक नंबर 9 मिलिट्री बेस के टावर के ऊपर काम कर रही है। आप ये प्लेस तो सभी लोग जानते ही होंगे। अगर यहाँ पे कोई एनिमी आ जाता है तो आप उससे कैसे बच सकते हो, आपको सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे जंप करना है। यहाँ पर जंप करने के बाद आप सिंपली प्रोन हो जाइए और आपका एनिमी जो है वो बहुत कम चांस है कि वो आपको देख पाए। इस ट्रिक को थोड़ा समझ सोच के इस्तेमाल करना,
ज़्यादातर जो एनिमी है वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा ही आगे हो जाओगे तो ये हो जाएगा। तो इस ट्रिक का थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना। ट्रिक नंबर 10, और ट्रिक नंबर 10 पे मैं आपको बताऊं कि ये जो सामने वाला ये जो गाड़ी खड़ी है, आप इसके अंदर कैसे जा सकते हो। आपको सिंपली अपना स्केटबोर्ड ऑन करके इसके अंदर जाने की थोड़ी सी ट्राई करनी है। तो दोस्तों, आप सिंपली इसके अंदर बहुत ही आसानी से जा सकते हो। आपके एनिमीज़ को पता भी नहीं चलेगा कि आप पर फायरिंग कहाँ से हो रही है जब आप इसके अंदर चले जाओगे। तो दोस्तों, इस ट्रिक का ज़रूर इस्तेमाल करना। बस आप देखते चलिए मैं इस ट्रिक को कैसे करता हूँ और फिर आप एनिमीज पर मैं कैसे अटैक करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना यार। मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, आप सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब।